तुलबा, आज हम कार्बन का कलमी हालत का अगला बहरूप फ्लोरीन इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये जो है कुदरत में बहुत कम पाया जाने वाला कार्बन का बहरूप है और ये साइंसदान रिचर्ड बुकमेस्टर फ्लर के बनाए हुए गोल गुंबदनुमा साख्त की वजह से इसे फ्लोरीन नाम दिया गया है। इसके जो सालमात है कुदरत में कुछ मिकदार में काजल से हासिल होते हैं। इसकी खसूसियात देखते हैं हम। इसके जो सालमात होते हैं वो बकी बॉल, बकी ट्यूब इस सूरत में हासिल होते हैं। इसके सालमे में 30 से 900 कार्बन के जौहर मौजूद होते हैं और इसकी अगली खसूसियत है कि ये कार्बनी मोहलिल में हल हो जाता है, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। अब इसके इस्तेमालात देखते हैं हम। इसका सबसे पहला इस्तेमाल है कि ये हाजिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और पानी को खालिस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम कार्बन की गैर कलमी शक्ल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले है पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला जो है ये रक्काजी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी चार किस्में हैं। सबसे पहले है पीट। ये कोयला तैयार करने का सबसे पहला मरहला है जिसमें 11% कार्बन का तनासुब पाया जाता है। दूसरा है लिग्नाइट। ये दूसरा मरहला है, इसमें 22% कार्बन का तनासुब होता है। तीसरा जो है बेटोमेंस, ये तीसरा मरहला है जिसमें 60% कार्बन का तनासुब पाया जाता है। और चौथा है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो है ये चौथा मरहला है जिसमें 80% कार्बन का तनासुब पाया जाता है। इसके बाद है हमारा चारकोल। ये हैवानात की हड्डियाँ, सींग वगैरह से हासिल होता है। इसके बाद जब ये नबातात से तैयार किया जाता है तो ये चारकोल लकड़ी के कम हवा में एतराक से तैयार होता है। कोयले का इस्तेमाल कारखानों और घरों में ईंधन के तौर पर तैयार किया जाता है। बिजली तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा कोक। कोक जो है ये पत्थर के कोयले से कोल गैस निकाल लेने पर बचा हुआ जो खालिस कोयला होता है कोक कहलाता है। इसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाता है और वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस की तैयारी में कोक का इस्तेमाल किया जाता है।